आणि हा पोर्ट आहे. उतरलो आम्ही आणि आता आम्ही बॅटरीवरती रिक्षा केलेली आहे. 20 रुपये भाडा आहे त्याचा आणि ते आपल्या डायरेक्ट मंदिराच्या गेटपर्यंत सोडणार आहे. बघूया रिक्षा बघायला भेटते. आणि टायमिंग 1 वाजता बंद होतो त्यामुळे आम्हाला जरा काहीच आहे काही आहे म्हणून आम्ही लवकरच चाललो. आणि बघा कसं चाललेलं आहे. आणि हा तुम्ही बघताय हा मार्केट आहे. आवाज नाही काय ना चालला. रेगुलरली बघतो मम्मी भरपूर एक्साइटेड आहे. हा द्वारकाधीशचं मंदिर आहे आणि आताच आम्ही दर्शन करून बाहेर पडलेलो आहोत. इथे शूटिंग करता येत नाही त्यामुळे मोबाईल अलाउड नाही आहे. तर या मंदिराची काय माहिती आहे ते महत्त्व जाणून घेण्यासाठी आपण पुरोहितांकडे जाऊया आणि त्याची माहिती जाणून घेऊया. चला जाऊया पुरोहितांकडे. भेट द्वारका है. कृष्ण भगवान का रानी वास है. चार कुनर पे चार रानियों का मेल द्वारकाधीश जी का घर है. जो मूर्ति है 5240 साल पुराना मूर्ति है. रुक्मणी माता ने अपने हाथ से बनाई हुई मेवाड़ से आई मीराबाई इसी मूर्ति के अंदर में समा गई. शंख चक्र गजा पद्म चतुर्भुज स्वरूप है. यहाँ मेवाड़ से आई मीराबाई भी इसी मूर्ति के अंदर में समा गई. बोल द्वारकानाथ भगवान की जय. थैंक यू. ग्रामीण नहीं है. भीड़ तो है ये बाहर से देखेंगे. चलो कौन सा रुक्मिणी मंदिर. नहीं नहीं हमसे कर लो आराम से. बंद हो गया तो 10 मिनट हो जाएगा. अभी बहुत टाइम है. ठीक है पहले रुक्मिणी मंदिर जाते हैं बाद में द्वारकाधीश मंदिर जाते. भेट द्वारका नागेश्वर वगैरह सब हो गया लेकिन रुक्मिणी मंदिर नहीं किया. हमको मालूम ही नहीं किधर है. बघितलंच असेल की आम्ही द्वारका बेटवर गेलो होतो सकाळी आणि 1 ते 4 मंदिरं बंद असल्यामुळे आता 5 वाजता आम्ही इथे आलो आहोत. हा आहे रुक्मिणी मंदिर. द्वारकाधीश मंदिरापासून जवळजवळ 3 किलोमीटर दूर हे मंदिर आहे. दर्शन
पानी ना के आप मुक्ति तुम जो बनाए आप हमें लोग हमारे साथ रुक्मिणी मंदिर पे भगवान कृष्ण की 8 पटरानी में। ये रुक्मिणी माता सबसे बड़ी पटरानी है, फिर भी यहाँ जंगल में क्यों विराजती है, उसके पीछे कारण है दुर्वासा ऋषि का श्राप। दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया तो माता रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण ने शादी किया और दुर्वासा ऋषि को भोजन का न्योता देने जाते हैं। दुर्वासा ऋषि बोलते हैं मैं भोजन के लिए चलूंगा, आप रथ में से घोड़े को निकाल दो, घोड़े की जगह आप स्वयं कृष्ण रुक्मिणी दोनों रथ में जुड़ जाओ तो मैं द्वारका नगरी भोजन के लिए चलूंगा। गुरु महाराज की आज्ञा का पालन किया, रथ में से घोड़े को निकाल दिया, घोड़े की जगह स्वयं कृष्ण रुक्मिणी दोनों रथ में जुड़ गए, अपने हाथ से रथ को खींचते हुए ले जा रहे हैं। बीच रास्ते में रुक्मिणी माता को थकावट के कारण जल की पानी की प्यास लगती है तो भगवान द्वारकाधीश ने दाहिना पैर का अंगूठा जमीन पर दबाया, जमीन में से चरण गंगा को प्रकट किया। माता रुक्मिणी ने पानी पिया, भगवान कृष्ण ने पानी पिया। भूल और गलती क्या हो गया कि इन्वाइट किए हुए अपने गुरु महाराज को ब्राह्मण को नहीं पूछा कि पानी पीना है कि नहीं पीना है, उनसे पहले कृष्ण रुक्मिणी दोनों ने मिलकर पानी पी लिया। दुर्वासा ऋषि क्रोधी ऋषि क्रोध के आवेश में आ गए, कृष्ण रुक्मिणी और द्वारका नगरी को दो श्राप दे दिया कि आप पति पत्नी का कृष्ण रुक्मिणी का 12 साल का वियोग हो जाएगा, जुदाई हो जाएगा और द्वारका नगरी का पानी खारा बन जाएगा, तरकीन बन जाएगा। तो दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण आज दिन तक ये द्वारका नगरी के 6 किलोमीटर के एरिया में किसी भी जगह कुआ करो, डंकी करो, बोरिंग करो, यहाँ पीने के लिए मीठा पानी नहीं मिला, सब जगह नमक भरा खारा पानी निकलता है। भगवान से अलग 12 साल इसी पवित्र भूमि के ऊपर बैठते रुक्मिणी माता ने तप और भक्ति किया। 12 साल की तप भक्ति के फलस्वरूप में ये मंदिर का निर्माण हुआ है। कृष्ण भगवान के पर पोते राजा बज्रनाभ ने एक रात के अंदर बनाया हुआ मंदिर है। करीबन 4,500 साल पुराना ये प्राचीन मंदिर है, सेंट्रल गवर्नमेंट मंदिर है, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर में ये मंदिर आता है। दर्शन के हेतु से आने वाले लाखों यात्री यहाँ दो कार्य करते हैं, पहला नंबर का और मुख्य कार्य रुक्मिणी माता का दर्शन करते हैं और दूसरा नंबर का कार्य यहाँ माता का प्रसाद समझ के गंगा जल समझ के पानी पीते हैं और अपने घर में परिवार में कोई मर गया हो गुजर गया हो तो समस्त पितरों की आत्मा की शांति के लिए यहाँ जल का दान करते हैं, पानी का दान करते हैं। यहाँ का महिमा है, यहाँ का महात्मा, बोलो रुक्मिणी माता की जय। वो आपके नसीब में यहाँ नसीब का वाला खेल होता है। अच्छा अच्छा आदमी पैसा छोड़ के चला जाता भूल गए। हाँ।